ना मैडम, ये बीच में भी आना चाहिए भैया। हाँ बीच में तो आएगा ही ना। हाँ, गाते हुए भी। आज मैं आपके समक्ष राग वागीश्री प्रस्तुत करने जा रही हूँ, कृपया ध्यान से सुनो। ये ऐसी डिग्री के लिए करनी है। आज मैं डॉक्टर बीलू व्यास राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर से
एसोसिएट प्रोफेसर की हैसियत से संगीत गायन आपके समक्ष व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रही हूँ और यह व्याख्यान प्रैक्टिकल पार्ट से ले रही हूँ। बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में राग वागीश्री और एमए प्रीवियस के कंपल्सरी ग्रुप में भी यह राग वागीश्री है। अतः इन दोनों कक्षाओं की छात्राओं को लाभान्वित करने हेतु मैंने इस राग का चयन किया है। मेरे साथ तबले पर जो संगत कर रहे हैं वो अजमेर के जाने माने तबला नवाज श्री मुकेश जी माथुर साहब हैं। आप देख ही लेंगे अभी कितना उम्दा बजाते हैं। और हारमोनियम पर संगत कर रही है कुमारी पूर्णिमा गोयल। मैं आपके सामने राग वागीश्री के बारे में पहले कुछ बताऊंगी। जैसा कि इसका नाम है वागीश्री, तो कुछ लोगों का मत है कि यह राग का नाम जो है वो वागीश्वरी था, जो कालांतर में अपभ्रंश होके वागीश्री बन गया। वागीश्री का अर्थ होता है वाग यानी वाणी, ईश्वरी मतलब देवी। तो वाणी की देवी जो माँ सरस्वती, उनका ये राग बताया जाता है। और सबसे पहले मैं उन्हीं को नमन करते हुए यह राग आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। राग वागीश्री काफी थाट का राग है, इस कारण इस राग में ग कोमल और नी कोमल है और शेष सारे स्वर शुद्ध हैं। इस राग की जाति के बारे में दो मतभेद हैं। कुछ प्राचीन काल के लोग इसको आरोह व अवरोह दोनों में ही पंचम को पूर्णतया वर्जित करते हुए गाते हैं, इस कारण इसकी जाति रे प आरोह में व अवरोह में भी प को वर्जित कर दिया, इस कारण औरो शाड़ो जाति मानी गई है। परंतु आधुनिक काल में इस मत से हटकर एक और मत है जिसमें आरोह में रे व प वर्जित करते हुए अवरोह में पंचम का प्रयोग बहुत अल्प परंतु बहुत ही मधुर वो मेलोडियस स्वर के रूप में उभरा है। अतः जितने भी जाने माने कलाकार व घरानेदार गायक हैं उन्होंने इस विधा को, इस स्वर संगति को अडॉप्ट किया है। अतः हम लोग भी इसको अपनाते हैं और अपनी छात्राओं को पंचम का प्रयोग करते हुए ही राग वागीश्री सिखाते हैं। वो मैं आपको आगे गाके भी बताऊंगी कि पंचम काल का प्रयोग कैसे है। राग वागीश्री की जाति औरो संपूर्ण, आरोह में रे व प वर्जित और अवरोह में पंचम अल्प और अवरोहात्मक लेते हुए संपूर्ण जाति बताइए औरो संपूर्ण। इसका वादी स्वर म है मध्यम और संवादी स्वर जो है वो है सड़ज। मध्यम स्वर इसमें वादी होने के नाते वादी का अर्थ होता है जो स्वर बार बार उस स्वर राग में प्रयुक्त होता है, जिसकी प्रधानता रहती है उस राग में, उस स्वर को वादी स्वर कहते हैं। बीए प्रथम वर्ष के बच्चों के लिए, छात्राओं के लिए मैं बता रही हूँ।
और संवादी नेक्स्ट टू वादी जो होता है, वादी को राजा कहा गया है और संवादी को उसका सेनापति, तो उसके बाद जो